सुप्रभातः। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत, प्रथम पाठ, भाग एक। हमारे सामने ये प्रथम पाठ का भाग एक इस पर दिख रहा है, इसको हम सर्वप्रथम संस्कृत में वाचन करेंगे। तव नाम किम? मम नाम विष्णु। तव नाम किम? मम नाम नारायण। तव गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं काश्याम अस्ति। तव गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं देहल्याम अस्ति। तव नाम किम? मम नाम संगीता। तव नाम किम? मम नाम सीमा। तव गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं अयोध्याम अस्ति। तव गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं पाटलिपुत्रे अस्ति। तवं किं करोषि? अहं पठामि। तवं किं करोषि? अहं लिखामि। तवं किं पठसि? अहं गणितं पठामि। तवं किं लिखसि? अहं गृहपाठं लिखामि। तवं किं करोषि? अहं खादामि। तवं किं करोषि? अहं पिबामि। तवं किं खादसि? अहं मिष्टान्नं खादामि। तवं किं पिबसि? अहम दुग्धम पिबामी। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं जिसे हम देखते हैं। तव जिसका अर्थ है तुम्हारा, मम यानी मेरा, किम यानी क्या, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, गृहम यानी घर, अयोध्याम यानी अयोध्या में। अयोध्याम शब्द में सप्तमी विभक्ति है इसलिए इसका ही अर्थ लिया जाता है अयोध्या में। इसी तरह पाटलिपुत्र, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है इसलिए इसका अर्थ है पाटलिपुत्र में। तवम यानी तुम, अहम यानी मैं। करोषि करते हो, पठामि यानी पढ़ता हूँ, गृहपाठम गृह कार्य, दुग्धम दूध, मिष्ठानम मिठाई। अब इस पाठ को हम संस्कृत वाचन के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी करेंगे, इसे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे पहला वाक्य लिखा है तव नाम किम, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। उसने उत्तर दिया मम नाम विष्णु, यानी मेरा नाम विष्णु है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम नारायण, मेरा नाम नारायण है। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। मम गृहं काश्याम अस्ति, मेरा घर काशी में है। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। मम गृहं देहल्याम अस्ति, मेरा घर दिल्ली में है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम संगीता, तुम्हारा नाम। मम नाम संगीता, मेरा नाम संगीता है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम सीमा, मेरा नाम सीमा है। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। मम गृहं अयोध्यायाम अस्ति, मेरा घर अयोध्या में है। तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। मम गृहं पाटलिपुत्रे अस्ति, मेरा घर पाटलिपुत्र में है। तवं किं करोषि, तुम क्या करते हो। अहं पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तवं किं करोषि, तुम क्या करते हो। अहं लिखामि, मैं लिखता हूँ। तवं किं पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। अहं गणितं पठामि, मैं गणित पढ़ता हूँ। तवं किं लिखसि, तुम क्या लिखते हो। अहं गृहपाठं लिखामि, मैं गृह कार्य को लिखता हूँ। तवं किं करोषि, तुम क्या करती हो। यहाँ बहन है इसलिए स्त्रीलिंग में करोषि का हिंदी अनुवाद लेंगे। कहा है तुम, तवं किं करोषि अर्थात तुम क्या करती हो। अहं खादामि, मैं खाती हूँ। तवं किं करोषि, तुम क्या करती हो। अहं पिबामि, मैं पीती हूँ। तवं किं खादसि, तुम क्या खाती हो। अहं मिष्टान्नं खादामि, मैं मिठाई खाती हूँ। तवं किं पिबसि, तुम क्या पीती हो। अहं दुग्धं पिबामि, मैं दूध पीती हूँ। ये इस तरह हमारा हिंदी अनुवाद था। अब इसके बाद हम इस पाठ में कुछ व्याकरण संबंधी जानकारी है जिसे हम देखेंगे। तो व्याकरण में आया है कि
इस पाठ में वर्तमान काल यानी लट लकार की मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की एकवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष एकवचन है करोसी, पठसी, लिखसी, खादसी, पिबसी। उत्तम पुरुष एकवचन में पठामी, लिखामी, खादामी, पिबामी। अब इसके बाद कुछ गृह कार्य प्रश्नोत्तर हैं जिसे अच्छी तरह समझ के आपको लिखना है। तव नाम किम, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका उत्तर देना है आपको मम नाम सुरेश। यहाँ सुरेश लिखा हुआ है, आप स्थान पर आप अपना स्वयं का नाम लिखेंगे, मम नाम, उसके बाद में जो नाम सुरेश लिखा है उस पर आप अपना नाम लिखेंगे। बहन है तो बहन का नाम लिखेगी, भैया है तो भैया अपना नाम लिखेगा। दूसरा प्रश्न है तव गृहं कुत्र अस्ति, यहाँ उत्तर बताएं मम गृहं बाड़मेर नगरे अस्ति। यहाँ हम अपना स्थान बता सकते हैं जहाँ हमारे घर का पता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ लिख सकते हैं कि मम गृहं, जो भी आगे नगर का है, गांव का नाम है, तो वो लिखकर आगे अस्ति लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है तवम किम करोसि, तुम क्या करते हो, तो इसमें आया अहम पठामी। यहाँ काम भी हम बदल सकते हैं, जो हम दूसरा काम अगर कर सकते वो भी बता सकते हैं, अहम आगे क्रिया लिखेंगे जिस काम को हम कर रहे हो। तवम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो, अहम संस्कृतम पठामी, साथ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तवम किम लिखसि, यानी तुम क्या लिखते हो, तो इसमें अहम गृह पाठम लिखामी, मैं गृह कार्य लिखता हूँ। तो बच्चों ये आज का हमारा प्रथम पाठ का प्रथम भाग था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके लिए हैं। ये स्क्रीन पर सामने जो दिखाई दे रहा है ये गृह कार्य अर्थ हैं, जो पहले प्रश्न में पांच प्रश्न का उत्तर आप अपने स्वयं के माध्यम से समझ के देना है। ये मैंने तो केवल बताया है, आपको समझ के उत्तर देना है। और कक्षा कार्य के लिए ये जो शब्दार्थ मैंने पहले आपको बताए थे, ये शब्दार्थ आपको कक्षा कार्य में लिखने हैं। इति धन्यवाद।